आपको एक जानकारी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। बताऊं? बताऊं? सम्माननीय आदरणीय दीदी। ओ दीदी की बोले तो मुँह मुश्किल भाई। आदरणीय दीदी, क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? ओ दीदी, क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। बंगाली बच्चा हम लोग भी पाँच बरस तक हिंदी पढ़ा ना। वो हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो, आप मेरे को बोलो हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। हम तो हिंदी अच्छा से पढ़ देता है। देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी देखो क्या पढ़ता है। दूध दही सब सही बंगाल में, या किसी का सरकार अभियान भर रहा है। जान जान के दीदी ममता दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी वी आर विथ यू। जितना भी हिंदी बोलोगे मैं सब पढ़ लेता है। हम हिंदी समझता है। हाँ मैं हिंदी अच्छा से पढ़ लेता है, वो लोग नहीं पढ़ सकता है। वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ता है, जो भाषा देखता है टेलीप्रॉम्प्टर में गुजराती में लिखा देता है और वो भी पढ़ता है। हम तो गुजराती का भी हमारा याद है, केम छो भाई छो हमको भी पता है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज हम तो अच्छा जानते हैं। पंजाबी लोग कोई बात कहे हमारे साथ पंजाबी में बात करो, हम बात करते हैं। हम पंजाब में हर गुरुद्वारा घूम के आया, अभी नहीं, वो टाइम पे जब गड़बड़ हुआ था तब कोई जाने के लिए डरते थे, तो मैंने बोला मेरे को भेज दो। नहीं किंतु ये मेरा ओरिजिनल वाला नहीं। जागो तू भी जागो। चुप। मैं आपको ममता दीदी बुलाऊं, जो कि पश्चिम बंगाल के लोग बुलाते हैं। ममता जी बुलाऊं? आपको जो मर्जी आप कहिए। दिल्ली की तहजीब है। आपको जो मर्जी आप कहिए, इट इज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। नो, ये आपका ही कहना है। ची 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 का का ची 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 क्या क्या ची 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 क्या क्या ची 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 ची। दीदी अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? ओ दीदी, ओ दीदी। आई बोले दीदी दीदी। अरे दीदी, तो तुम्हारा हाय क्या आजा है? अपने पन का श्रद्धा व्यक्त करने का मेरा एक तरीका। मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो। लेकिन दीदी, ओ दीदी, वो हमको हिंदी सिखाता है। लेकिन मैं प्रयास तो करता हूँ। हम तो हिंदी अच्छा से पढ़ देता है। ठीक है, देखो इधर में लिखा इंग्लिश हिंदी। मुझे पता है, सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें? अम्बा 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 कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तुम्हारा हाय क्या? ना आम है, ना लाल साग है, ना पलंग साग है, ना लाल के डाटा है, ना आम है, ना कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है, कला खाओ। वो भी खा लूंगा। ओ ममता दीदी, टाटा गुड बाय। गया बाय बाय, टाटा गुड बाय। गया अपना।
ठीक है अभी जा रहे हैं। दीदी ओ दीदी, अरे दीदी, हार होते देख ये कहा हो गया आपको, आपके करीबियों को। हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। दीदी ओ दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मैं हूँ ना, मुझ पर कीजिए, जितनी मर्जी गाली दीजिए, लेकिन बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमय परंपरा का अपमान मत कीजिए। मोदी ने कहा कि दीदी ने 10 साल तक माँ माटी मनुष्य के नाम पर बंगाल पर राज किया है, लेकिन इन दिनों सभा में माँ माटी मनुष्य नहीं बल्कि मोदी 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 करती रहती है। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया है। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कट मनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कट मनी दो, कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कट मनी दो। प्रधानमंत्री ने बताया है कि जिस बंगाल की भाजपा के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका है, उस बंगाल की जितने सेवा भाजपा करे उतना कम होगी। आपकी एक एक आवश्यकता, आपकी एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार काम करेगी। वो वीर जवान दो दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहाँ बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। माँ ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि दीदी, क्या उस पुलिस अफसर की माँ आपके लिए माँ नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी नर्मम है। इसका अंदाजा बंगाल के किसी माँ को नहीं था। इन चुनाव के दौरान हमने शोभा मजुमदार को भी खो दिया। जिस क्रूरता के साथ उसे टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, वह एक ऐसी तस्वीर है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। नरेंद्र मोदी ने बोला कि धान का कटोरा कहा जाने वाला हमारा बर्धमान यहाँ के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज़ादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी उसकी सही देखरेख तक यहाँ की सरकार नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में रहा ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ कि आपके इस सेवक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर घर नल से शुद्ध जल पहुँचे इसके लिए बड़ी योजना शुरू की है। बंगाल की सरकार को भी सैकड़ों करोड़ों रुपए इसके लिए हमने भेजे हैं, लेकिन दीदी ने इसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। कल से नवरात्रि शुरू होने जा रही है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ काली माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी की हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता आनी चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।